ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, मैं हूं रीनू यादव। लगातार आपको हमने वोटिंग प्रतिशत भी दिखाया है, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब वोटर पहुंचता है मतदान करने के लिए, और आगे भी ये जिम्मेदारी निभाते रहेंगे क्योंकि शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। और इसलिए एक बार फिर से न्यूज 18 आप सभी से अपील कर रहा है कि वोट जरूर करें, सारे काम छोड़ दो, वोट दो, वोट दो। और इस वोट देने की कुछ तस्वीरें आपको हमने जब दिखाई हैं, हर आम और खास पहुंचे हैं आज मतदान करने के लिए। और हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है, विवेक त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आप बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। गुंडा चौकसी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, और साथ ही जयंत वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आशीष भी न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं, इलेक्शन रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। तो आशीष, चूंकि दिलचस्प हो चुका है, वोटिंग प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत संतोषजनक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना है कि उम्मीद है कि आगे भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। खास मेहमान है गुंजन जी, चूंकि हर बार बीजेपी का पक्ष बहुत दमदारी के साथ रखती है, वोटिंग प्रतिशत को लेकर पहला रिएक्शन आपका, फिर सवाल गुंजन जी। देखिए, वोटिंग प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने अपना योगदान दिया है कि किस तरह वोटिंग परसेंटेज को और बढ़ाया जाए। जो हमारा चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ नेता, सभी ने इसमें काम किया है, सभी ने जनता को जागरूक करने का काम किया है, सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम किया है। और अभी भी लगातार हमारे यहाँ वॉर रूम का भी काम हुआ है, और मैं आपको बता दूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला वॉर रूम बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, और उसका मकसद है कि महिलाएं हो, युवा हो या वरिष्ठ हो, सभी को प्रावधान हो, सभी को जागरूकता के साथ काम किया जाए कि वो अपने घरों से निकलें और मतदान अवश्य करें। मतदान अपनी मर्जी अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जरूर करें। और मैं आप फिर से अपील करना चाहूंगी, जो दर्शक आज आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, कि अभी भी शाम तक समय है, अपने घरों से निकले, गर्मी सर्दी सब आती रहेगी, लेकिन मतदान का जो अधिकार संविधान ने आपको दिया है वो सिर्फ आपको दिया है। मैं विवेक जी के पास इस पर रिएक्शन लेने जाऊं, उससे पहले आपसे एक सवाल, वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, अगर मेरी आवाज मिल पा रही है तो एक सवाल आपसे रहेगा, पहुंच पा रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रही है गुंजा जी? आवाज आ रही है मेरी? तो शायद कुछ नेटवर्क का इशू, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, पहुंच पा रही है, टेक्निकल कुछ इश्यूज हैं, आशीष की आवाज हम तक गुंजन जी तक नहीं पहुंच पा रही है। अब चूंकि शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, और ये क्लियर है कि अगर आप 6 बजे के पहले पहले भी पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगे तो आपको मतदान करने का मौका मिल जाएगा, तो देर नहीं करें, और अगर देरी हो भी रही है तो कोशिश करें एंड मौके पर भी पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंच जाएं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, जयंत वर्मा जी। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए भी, हालांकि इसके लिए बीजेपी ने बैठकें भी की थी कि वोटिंग प्रतिशत को और ज्यादा हम बढ़ाएंगे, पिछली बार की तुलना में इस बार का वोटिंग प्रतिशत निराशाजनक था, या यूं कह सकते हैं कि असंतोष था वोटिंग प्रतिशत को लेकर, इस बार आपको क्या लग रहा है? क्योंकि गर्मी भी प्रचंड है, समय भी चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया है, और अभी भी हम देख पाते हैं कि कुछ पोलिंग बूथों के बाहर लाइन नहीं है। देखिए, 2019 में भी गर्मी में ही चुनाव हुए थे, और उसमें गर्मी का शादियां भी थी, तो इस साल भी शादियां वैसे तो खत्म हो गई, अक्षय तृतीया को एक शादियां थी, बाकी तो कोई शादियां का भी मौसम नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो इस बार का इतना लंबा जो चुनाव है, इसमें लोगों का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, और ये ऐसी कोई वेव भी नहीं दिख रही है। इंदौर का जहां तक सवाल है, तो इंदौर में तो अब कॉन्टेस्ट ही नहीं रह गया है, क्योंकि वो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो विड्रॉ कर गए हैं, तो अब लोगों का वहां पे इंटरेस्ट भी खत्म हो गया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये जो 5% का गैप आया है पिछले 2019 से और अभी के पिछले जितने भी 3 दौर थे, तो वो कवर होना मुझे नहीं लगता कि ये कवर हो पाएगा, और इसी प्रकार ये लगभग 4-5% वोट कम पड़ेगा इस बार भी, ऐसा तो लगता है। क्या सर, ये उत्साह कम होने का मुख्य कारण ये है कि 19 अप्रैल को शुरू हुआ जो चुनाव है वो 4 जून को पूरा होगा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इसका टाइम बहुत ज्यादा है? जी हाँ, ये बहुत